दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज है आपका, उसको लेकर आपके एग्जाम कब होंगे। बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, सर किन किन को प्रमोट किया जाएगा, कब तक डिसीजन आएगा। तो स्पेशली ये वीडियो बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, उसी के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो शुरू से लेकर एंड तक शुरू देखिएगा, पूरी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, पूरी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी बीए बीएड बीएससी बीएड हैं, स्पेशल आपके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं, जितने भी कोर्सेज से इससे रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम बीए बीएड बीएससी बीएड वालों के लिए भी हम वीडियोस बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इस पर फैसला कौन लेगा, क्या इस पर यूजीसी फैसला लेता है या कोई और विभाग बैठता है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले साल हुआ था कि इस पर बीए बीएड बीएससी बीएड पर यूजीसी डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि ये बीएड ये एजुकेशन कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, और इस पर फैसला जो आपका एनसीटीई नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो एनसीटीई ही जो बीएड पर फैसला लेता है, वही बीए बीएड बीएससी बीएड पर फैसला लेगा। क्योंकि पिछले साल आपने देखा था कि जो बीए बीएससी बीकॉम यूजीसी ने जारी कर दिया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाए, तो सभी को प्रमोट कर दिया गया, किसी के जो अंक देने थे सभी की मार्कशीट भी आ गई। लेकिन जो बीए बीएड है बीएससी बीएड है उनका रिजल्ट भी नहीं आया, उनको केवल मात्र प्रोविजनल प्रमोशन दिया गया था, यानी अस्थायी रूप से आपको अगली क्लास में प्रमोट किया और कहा कि कंडीशन ठीक होती है तो एग्जाम करवाएंगे। तो लगभग अक्टूबर तक जाकर बीए बीएड पर फैसला हुआ कि इनको भी प्रमोट किया जाएगा, केवल मात्र फाइनल ईयर के एग्जाम हुए थे। तो ये अक्टूबर में जाकर फैसला हुआ, वो लगभग दिसंबर में आपकी जो प्रोविजनल मार्कशीट है दोस्तों, जो आपकी अस्थायी प्रवेश वाली मार्कशीट थी, वो आपकी दिसंबर में जाकर मार्कशीट आई थी। तो इस पर भी फैसला आपको बता दिया कि एनसीटी ही इस पर डिसीजन लेने वाला है, जो बीएड पर डिसीजन लेता है। तो डिसीजन की बात हो गई कि कौन इस पर डिसीजन लेगा, तो जो एनसीटीई विभाग है वो डिसीजन इस पर लेने वाला है। तो जब भी ये राज्य सरकार फैसला लेगी तो उसके साथ ये फैसला इस बार आ जाए, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो फैसला है इस पर एनसीटीई ही लेगा। अब बात करते हैं कि इनकी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं और कौन कौन प्रमोट हो सकता है इस बार। तो सबसे पहले देखिए, फाइनल ईयर तो है, उनके एग्जाम निश्चित रूप से होंगे, तो वो प्रमोट के सपने ही न ले। फाइनल ईयर में जो भी हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर बीए बीएड फोर्थ ईयर, उनके एग्जाम 100% होने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल भी एग्जाम हुए थे और इस बार भी ऐसे ही कंडीशन है, एग्जाम होने वाले हैं। अब रही बात कि प्रमोट को लेकर, तो फर्स्ट ईयर के चांसेस हैं, क्योंकि वहां पर भी बीए बीएससी में फर्स्ट ईयर के चांसेस हैं। बाकी सभी पर मंथन किया जा रहा है कि इनको प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि दो बार किसी को भी प्रमोट करने का नहीं कह रहे हैं कि दो बार किसी को भी प्रमोट न किया जाए। तो दोस्तों, यहां पर जो बन रहे हैं चांसेस, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट किया जा सकता है, और आपके जो थर्ड ईयर हैं और फोर्थ ईयर हैं उनके एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो अब एग्जाम कब तक होंगे, तो आपके जो पहले आपके बीए बीएससी के एग्जाम होंगे, जो आपकी बीएससी हैं उनके एग्जाम होते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्सेज के एग्जाम होते हैं, बीएड के साथ उनके एग्जाम होते हैं। तो इसमें लगभग अगस्त तक एग्जाम नहीं हो सकते, सितंबर सितंबर अक्टूबर तक आपके एग्जाम जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों किनको प्रमोट किया जाएगा और ये और किनके आपके एग्जाम होंगे और कब तक एग्जाम होंगे, ये भी आपको मैंने बताया, और इस पर कौन फैसला लेगा ये भी आपको मैंने बताया है कि इस पर एनसीटीई फैसला लेगा। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, इस अपडेट को शेयर जरूर कीजिए। बहुत से छात्रों को इसमें वहम था कि कौन हमारा फैसला लेगा, कौन करेगा, तो सभी की कंफ्यूजन दूर हो गई है। तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।